अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दो। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। अमरीश पुरी है वन एंड ओनली। अमरीश पुरी साहब को मिलेगी टक्कर। विलेन से जरूरी हीरो क्यों? अक्सर लोग कहते हैं कि किसी भी फिल्म को हिट करवाने के लिए जरूरत होती है एक बेहतरीन एक्टर की, लेकिन अगर आप हमसे पूछे तो हम आपको यही कहेंगे कि एक बेहतरीन एक्टर से ज्यादा एक बेहतरीन विलेन की जरूरत है किसी भी फिल्म को हिट बनाने के लिए। इसकी एक बहुत साफ और सिंपल सी वजह है कि जिस फिल्म का विलेन होगा जबरदस्त, उस फिल्म में आपको आएगा ज्यादा मजा। और यही वजह है कि एक अच्छे विलेन बहुत कम देखे जाते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन अगर कोई भी अपनी कलाकारी और अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है तो हर कोई चाहता है उसे अपनी फिल्म में कास्ट करे, और ऐसे ही एक विलन थे अमरीश पुरी साहब। अमरीश पुरी एक ऐसे विलन के तौर पर सामने आए हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से हमें इतनी बेहतरीन और एवरग्रीन कहानियां दी है कि आज भी उनकी स्क्रीन प्रेजेंस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उन्हें रिप्लेस करने के लिए किसी और विलन की जरूरत होती है तो उसे कौन कर सकता है? आज यही सवाल का जवाब देने के लिए हम आ चुके हैं फिल्म गदर के सीक्वल के बारे में बात करने। ये बात तो सभी जानते हैं कि गदर फिल्म एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी, और इसमें सनी देओल को जितना ज्यादा पसंद किया गया था उतनी ही ज्यादा तारीफें की गई थी अमरीश पुरी साहब की एक्टिंग की। जाहिर सी बात है कि जब अमरीश पुरी साहब ही इस दुनिया में नहीं रहे और फोकस अब जीते के किरदार पर आ चुका है तो हमें देखने को मिल सकता है कोई और नया विलन, और इस एक्टर को करना पड़ेगा अमरीश पुरी साहब जैसे बड़े एक्टर के साथ मुकाबला। अब देखने वाली बात ये होगी कि मेकर्स और फिल्म के डायरेक्टर किसको करते हैं विलन के रोल में कास्ट। ये देखने के लिए हमें और पूरे देश की ऑडियंस को है गदर के सीक्वल का इंतजार। आपको बता दें कि इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा था। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा, ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं, और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं मंगीशा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और अपने मन पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।